संजय तटकरे जी, क्लाइड कास्ट्रो साहब, प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, जिस तरह के आप लोगों को यहाँ बुलाया गया, आज से तीन दिन पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोगों के सामने जो राष्ट्रीय एक एजेंसी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उनके गलत कामों की जानकारी आज से तीन दिन पहले हमने आपके सामने रखी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो हमने प्ले करके आपको दिखाया था, जो फिर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जिस दिन क्रूज पर एनसीबी ने छापेमारी की, उस दिन एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया ब्रीफिंग की थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उस दिन मैंने सवाल खड़ा किया था कि एक जवाबदार अफसर इस तरह से वेग स्टेटमेंट कैसे कर सकता है। अगर डिटेंशन हुआ है 8 लोगों का तो 8 लोग हो सकते हैं, या 10 लोग हो सकते हैं। उस दिन भी सवाल खड़ा किया गया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया क्या? आपको फिर वीडियो में सुना देता हूं, एक आधी मिनट की वीडियो है जो जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। आप लोग पहले सुन ले, फिर आगे चलाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। ना वो 8 लोग थे, ना 10 लोग, वे 11 लोग थे। डिटेंशन के बाद लोकल पुलिस भी उसमें नज़र बनाए रहती है कि कितने लोगों को डिटेन किया गया। हमारी जानकारी है कि लोकल मुंबई पुलिस के पास सुबह तक पूरी जानकारी थी कि 11 लोगों का डिटेंशन हुआ, और फिर उसके बाद एकाएक खबरें आई कि 8 लोगों को ही डिटेन किया गया है। उसमें 3 लोगों को छोड़ा गया। वो 3 लोगों के नाम हैं ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा, और तीसरा नाम है आमिर फर्नीचर वाला। पहले आपको मैं ऋषभ सचदेवा के बारे में कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये महाशय डिटेन किए गए, फिर छोड़ा गया। पहले आप लोग वो वीडियो देख लें जो इन्हें छोड़ा गया या जो उन्हें डिटेन किया गया। डिटेंशन वाली जो वीडियो हमारे पास है वो एक चैनल की है, वो खाली प्ले करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन छोड़ने वाली हमारी एक्सक्लूसिव हमारी वीडियो है। डिटेंशन वाली ये गाबा साहब जो हैं, ये ऋषभ सचदेवा जी जो हैं, इनको डिटेन किया गया। ये डिटेन करके इनको ले जाया जा रहा है। The crew, which is away, the
ये तीनों लोग हैं जो अंदर जाते हुए हैं, फिर आपको ये तीनों लोगों को जो छोड़ा गया वो दो वीडियो में है, वो दोनों भी वीडियो हम प्ले करते हैं। फुल स्क्रीन पे दिखाओ। फिर से देखना है इसको तो दिखा देते हैं, एक बार फिर देखिए। ये वापस जब छोड़ा गया, ये जा रहे हैं वापस, जाते समय ये ऋषभ सचदेवा के पिताजी, उनके चाचा ऋषभ सचदेवा और साथ में प्रतीक गाबा, ये जा रहे हैं। जो एक चैनल पे तीन लोगों का जाता हुआ हमने दिखाया, जो तीसरा व्यक्ति है आमिर फर्नीचर वाला, वो जब छोड़ा गया उसकी भी वीडियो आप पहले देख लें, फिर विस्तार से हम ब्रीफ करते हैं। ये तीनों लोग पहला व्यक्ति ऋषभ सचदेवा जो प्रिंटेड शर्ट है पहना हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं मोहित कंबोज, जिन्होंने अपना नाम बदला, अब मोहित भारती हो गए, उनके ये साले साहब हैं। इसकी भी कुछ हम पूरी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोहित कंबोज जी हैं, उनके ससुर साहब हैं, उनके चाचा जी हैं और स्वयं ऋषभ सचदेवा दिख रहे हैं। अब इनकी पूरी प्रोफाइल दिखा दीजिए, किसके किसके साथ हैं। ये राष्ट्रपति से पुरस्कार भी ले चुके हैं, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से इन्होंने पुरस्कार लिया है। भारती देखिए, ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कृत हो रहे हैं, सम्मानित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्कार्फ लेके प्रचार कर रहे हैं। साले बहनोई का फोटो साथ में है, नीचे लिखते हैं कि कोई ब्रदर इन लॉ जिंदगी में आ जाए तो ब्रदर हो जाता है। और ये सारी तस्वीरें ये दिखाती हैं कि ऋषभ सचदेवा जिसे डिटेन किया गया और दो घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया, जब वो छूट कर निकले उनके साथ उनके पिताजी भी थे, उनके अंकल जी भी थे। छोड़ा गया तीनों लोगों को साथ में, जो दो लोग हैं प्रतीक गाभा, आमिर फर्नीचर वाला, जब सुनवाई चल रही थी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में इनका नाम रिफ्लेक्ट हुआ है आर्ग्यूमेंट में। इन दो लोगों के बुलाएवे पे ही आर्यन खान वहां पे गए थे। हमारा सीधा सवाल एनसीबी से है कि 1300 लोगों के जहाज पर आपने रेड की, रेड आपकी 12 घंटे तक चली, उसमें आपने 11 लोगों को सिलेक्ट करके आपने डिटेन किया। डिटेन करने के बाद आपने इन सभी लोगों को एनसीबी के कार्यालय में पूछताछ के लिए लाया,
ये तीन लोगों को छोड़ने के लिए किसने आपको आदेश दिया, इसकी जानकारी एनसीबी को देनी पड़ेगी। हमारी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक नेताओं ने फोन करके ऋषभ सचदेवा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। आमिर फर्नीचर वाला को छोड़ा जाए ये आदेश दिया। प्रतीक गाबा को छोड़ा जाए ये आदेश दिया गया। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो तीन लोगों को क्यों छोड़ा? हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तात्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन तीन लोगों को भी लाया गया, और क्या जांच पूरी हो गई कि तीन लोगों को छोड़ दिया गया? पूरी जांच का जो है व्हाट्सएप चैट के ऊपर जांच आगे बढ़ रही है। क्या यह तीन लोगों के फोन लिए, उन्होंने देखा ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है, प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है, ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष हैं कि गुनहगार सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये तीन लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया? और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब तीन लोग डिटेन किए गए जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के दो चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए, हमें शंका है कि उनके पिताजी के फोन से समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है, और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। आज इतनी ही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और आशा करते हैं कि एनसीबी इसको लेके खुलासा करेगी। एक चीज़ और सामने आई है जो हमने खुलासा किया था इसके पहले प्रेस में, जो केपी गोसावी है जो कि फरासखाना पुलिस स्टेशन से फरार है, वो दो जगह पे पंच बना हुआ है विटनेस। एक मुनमुन के केस में, एक आर्यन के केस में, और दो पंचनामा में उसके दो एड्रेस अलग अलग लिखे हुए हैं। एक थाना का एड्रेस है, एक नवी मुंबई का एड्रेस है। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तीन दिन पहले हुई, एनसीबी के लोगों ने कार्यालय के सामने सड़क पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप साथियों ने सवाल पूछा तो दिल्ली से आए हुए अधिकारी ने कहा कि प्रिजुडिस स्टेटमेंट दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नवाब मलिक प्रिजुडिस है। मैं आज फिर दोहराता हूं कि हमने हमारे घर के दामाद की गिरफ्तारी पे कभी भी कोई सफाई नहीं दी थी। लगातार बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि नवाब मलिक के दामाद को पकड़ा गया, इसलिए नवाब मलिक सवाल उठा रहे हैं। मैं आज फिर खुलासा करता हूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया के आप नवंबर 2020 के अखबार खोलें, जब जब इस तरह के सेलिब्रिटीज की गिरफ्तारी हुई, मैंने उस वक्त ही कहा था कि ये काम एनसीबी का नहीं है, पब्लिसिटी के लिए काम हो रहा है।
उसी समय से लोगों को कहा जा रहा था कि नवाब मलिक को हम ठीक करेंगे, आपने किया है, निर्दोष है वो, निर्दोष अपना जो भी है उसका दामाद सिद्ध करेगा। लेकिन जो आज हम सवाल उठा रहे हैं, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया उसका जवाब से लोग भाग रहे हैं, आज फिर हमने सवाल उठाया है, उम्मीद करते हैं कि एनसीपी उसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता जो हैं, दरेकर साहब बोल रहे हैं कि अगर उनके पास कोई जानकारी है तो एनसीपी को ले जाके दें, जो फर्जीवाड़ा कर रहा है क्या उसको जानकारी दी जाएगी। हमें लगता है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता श्री प्रवीण दरेकर जी, आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि जिस एजेंसी के खिलाफ हम सवाल खड़ा कर रहे हैं सारी जानकारी उनको ही दो, इस तरह की बात करना ये गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं मांग करता हूँ कि इतना बड़ा मामला है, कोई कमीशन आप बिठा दीजिए, ये सारी जानकारी जो मैं दे रहा हूँ गलत है, उसकी जांच हो जाए, एनसीबी की जांच हो जाए, सारी जानकारी जो है हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये कहना कि एनसीबी के सामने सारी जानकारी दी जाए, हमें लगता है जिनकी गलतियाँ, गलत कामों को उजागर किया जा रहा है उनको ही जानकारी दी जाए, इस तरह की बात हमें लगता है ये कोई समझदार व्यक्ति की बात नहीं। फिर कहता हूँ कि एनसीबी बताए कि तीन लोगों को क्यों डिटेन किया, क्यों छोड़ा, उनके घर के लोग अंदर कैसे आए, किस नेता का फ़ोन आया था, किसके बोलने पे छोड़ा गया, ये सारे सवालों का जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद मराठी में मैं बात करूँगा। कुछ नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों नहीं सबको लाया, और नहीं मिला तो 1300 लोगों को क्यों छोड़ दिया। अगर आपने 11 सिलेक्टेड लोगों को लाया था तो आपने वेग स्टेटमेंट 8 से 10 का क्यों दिया, और क्या ऐसी जांच है कि ये 8 लोगों की जांच व्हाट्सएप चैट पे चल रही है, ये 3 लोगों के फ़ोन क्यों नहीं लिए गए। केंद्र और महाराष्ट्र के बीजेपी के नेताओं के दबाव में उनके कहने पर तीनों को छोड़ा गया। वही भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है, जब सवाल उठाए जाते हैं कोर्ट जाओ, वही एनसीबी बोल रही है कि कोर्ट जाओ। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं, हम सारी गलतियां जनता के सामने ला रहे हैं, जिनके खिलाफ नाइंसाफी हुई है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा है, आर्यन खान के पजेशन से कुछ नहीं मिला। पहले भी हमने कहा था कि सारे मीडिया में सर्कुलेशन था कि अगला निशाना शाहरुख खान है, प्रतीक गाभा, इमरान फर्नीचर वाला, ये उसके दोस्त हैं, उन्हीं लोगों ने इसको लाया था, और जिन लोगों ने आर्यन खान को लाया उन्हीं को छोड़ा गया। हमें लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये सारी कहानी गढ़ी गई, सोची समझी साजिश के तहत लोगों को पहले भी फ्रेम किया गया, अभी भी फ्रेम किया गया है। जिस मनीष भानुशाली को लेकर हमने खुलासे किए, वो कई चैनलों पे कह रहा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पे कार्रवाई हुई है, और एनसीबी कह रही है कि दे आर आवर इंडिपेंडेंट विटनेस। वो कह रहा है कि मैं मुखबिर हूँ, एनसीबी कह रही है कि वो हमारा पंच है, पंचनामे पे एक उसकी दस्तखत है, भानुशाली 2 में, 1 में है, और गोसावी 2 में पंचनामे पे दस्तखत करता है, 2 अलग अलग एड्रेस लिखवाता है, और वही भानुशाली एक मीडिया चैनल पे फ़ोन पर फ़ोनों देते समय जब उससे पूछा गया कि आप क्या करने अंदर गए थे अकेले, तो उसने कहा कि कागजात पे दस्तखत करने के लिए गए थे, ये ऑन रिकॉर्ड टेलीविज़न चैनल पे कहा गया है। पहले दिन से हमने कहा कि फर्जीवाड़ा है,
अलग अलग सीजर में कोकीन 2 ग्राम, चरस 4 ग्राम, कितना क्वांटिटी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एनसीबी ने सभी सीजर का एक फोटो वायरल किया, जो मीडिया को दिया, जो एनसीबी के कार्यालय में उतारा गया। प्रोसीजर यह है कि जहां सीजर होता है वहां सील करना चाहिए। 2 पंचनामा है, 1 पंचनामे में कहा जा रहा है कि लैपटॉप और प्रिंटर साथ ले गए थे। आर्यन खान का पंचनामा कंप्यूटर पर टाइप किया हुआ है, मुनमुन का हाथ से लिखा हुआ है, मुनमुन के पंचनामे में भानुशाली का एड्रेस अलग है, आर्यन के पंचनामे में एड्रेस अलग है। ये एक साजिश के तहत कहानी गढ़ी गई, लोगों को बुलाया गया और ये एक फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम करने का खेल किया गया। और पहले दिन से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सारे फर्जीवाड़े में शामिल थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता को छोड़ा गया। वो 2 लोग जिनके जरिए आर्यन को लाया गया उन्हें भी छोड़ा गया। लाया क्यों, छोड़ा क्यों, इसका जवाब एनसीबी को देना होगा। देखिए, ये बड़े लोगों के बच्चे हैं, जो बड़े लोगों के बच्चे हैं उनका अपना फ्रेंड सर्कल है, उसमें आर्यन भी उनके दोस्तों की लिस्ट में है। हमें लगता है कि एक ज्वाइंट फोटो है, वो भी आप दिखा दें। यह आमिर फर्नीचर वाला, ये देखिए सारे दोस्त, तो ये सब उनके अपने यंग बच्चों के सर्कल हैं। जो कोर्ट में डिबेट हुआ है, कोर्ट में ये कहा गया मान शिंदे जी के जरिए कि आमिर फर्नीचर वाला और प्रतीक गाभा के कहने पर आर्यन आया था, जो लाने वाले हैं उन्हें क्यों छोड़ दिया, सारा फर्जीवाड़ा है। पहले दिन से मैं कह रहा हूँ न्यायालय में चीज़ें जाएंगी। सवाल हम जो खड़ा कर रहे हैं, जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने खड़ा किया, मीडिया ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जाओ न्यायालय में, आज फिर 3 लोगों के बारे में हमने सवाल खड़ा किया है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम लोक सेवक हैं, बहुत सारे लोक सेवक इस देश में ऐसे हुए हैं कि उनकी सच्चाई सामने आने के बाद लोगों ने आश्चर्य कर लिया। अगर लोक सेवक हैं तो लोक हित में जो सवाल उठाए गए वे लोक सेवक उसका जवाब दें, हम मांग करते हैं। नहीं बघा, असं आहे की पंचनामा करत असताना रिनाउन सिटीजन किंवा चांगले व्यक्तीकडून पंचनामा केले पाहिजे। फरारी आरोपी पंचनामेमध्ये सगळं ह्या न्यायालयात जाईल, पण माझं इतकंच म्हणणं आहे की हे सगळे लोक, हेज गोसावी आणि भानुशाली, ये दोनों लोगों का बॅकग्राऊंड बहुत खतरनाक है। धीरे धीरे और आने वाले दिनों में हम सवाल के जवाब देंगे। नहीं देखिए, नहीं मापक वाले जी, 1 मिनट, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें अभी बेल एप्लीकेशन पे जो भी वकील है अपनी दलीलें रख रहे हैं, ज्यूरिडिक्शन को लेके उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, वो न्यायालयीन लड़ाई है। हमें लगता है कि ये चीज़ें आज नहीं कल न्यायालय के सामने आएगी, और हमें लगता है कि जिस तरह से गलतियाँ हुई हैं, जो लोग सफरा रहे हैं चीज़ों को सामने लेके न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय डिसाइड करेगा। नहीं, वो थेरी किसी ने जे कोर्ट के सामने हमारी थेरी कही, कोई ला रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ लाए। मेरा काम है कि जो सच्चाई है, भानुशाली की जानकारी हमने दी,
गोसावी की हमने जानकारी दी, आज 3 लोगों को डिटेन किया गया था, छोड़ दिया गया, वो जानकारी दी। हमें लगता है कि अभी जिस स्टेज पे जिनका भी मामला चल रहा है वो देखेंगे, और किसी को ये हमारी बातों पे अगर लगता है कि ये फर्जीवाड़ा है, या बहुत सारे नागरिक देश में हैं, इन सारे तत्वों को लेके न्यायालय में जा सकते हैं। नहीं, वो जवाब देते हैं तो वो दें। 3 लोगों को छोड़ा गया, प्रतीक गाभा, सचदेवा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का साला है, ये सारे लोगों के फ़ोन अगर लिए जाएंगे तो कॉल रिकॉर्ड बताएगी कि 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया। देखिए, ऐसा है कि कस्टडी में किसी से कुछ भी लिखाकर दस्तखत कर लिया जाए वो कोर्ट में कभी भी मेंटेनेबल नहीं होता। कस्टोडियल स्टेटमेंट आर नॉट अ स्टेटमेंट विच कैन बी रिलाई। हमें लगता है कि जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ गलत हुई है, निश्चित रूप से एंटी नार्कोटिक सेल भी है, तो शायद वो चीज़ों को आगे बढ़ाए। हम भी मांग करेंगे कि इतना गंभीर मामला चल रहा है, क्रूज़ जहाँ से छूटता है वहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का पूरा वीडियो है। हम मांग करेंगे कि मुंबई पुलिस सारे वीडियोस मंगाए, और जो चीज़ें एनसीबी कह रही है या जो चीज़ें हम बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कम से कम उस वीडियो से चीज़ें सामने आएंगी। तो मोहित कंबोज यांचा फोन निश्चित रूपाने गेला असेल, आता ते मुंबई युवा मोर्चाचे अध्यक्ष असताना त्यांचे संबंध बऱ्याचशा नेत्यांशी आहे, कॉल डिटेलमधून कुठल्या कुठल्या नेत्यांनी या बाबतीत संभाषण केलेलं आहे, कॉल डिटेल काढल्यानंतर माहिती निश्चित रूपाने समोर येईल। लेट अस सी, थिंग्स आर व्हेरी मच सीरियस, एंड myself also I will write to chief minister that things are very serious and they have to look into the matter. If required, this all things should be make an inquiry, and what is the truth that the state of Maharashtra should reveal and get the real facts from the various accused and various डिपार्टमेंट। ज्या पद्धतीने मागच्या 3 दिवसापूर्वी मी एक प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक खुलासा केला होता, मनीष भालुसाली हे भाजपचे नेते आणि KP गोसावी यांच्या बाबतीत सगळी माहिती दिली होती। त्याच दिवशी हे पण आपल्याला एक व्हिडिओ मी दाखवला होता, जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेडे हे मीडियाला स्टेटमेंट देत असताना त्यांनी माहिती दिली की आम्ही 8 ते 10 लोकांना डिटेन केलेलं आहे। खरं ते 8 ते 10 नाही, ती 11 लोक होती। मुंबई पोलिसला पण माहिती 11 लोकांची देण्यात आली होती, नंतर 8 लोकांना आम्ही डिटेन केला आणि नंतर 8 लोकांवर केसेस दाखल करण्यात आले।
आणि तीन लोकांना सोडण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या जाताना आपल्या सर्वांना मी व्हिडिओ देणार आहे सगळे. त्यांना आणण्यात आला ते व्हिडिओ आहे, त्या तिघांना रिलीज केला त्या काळातले सगळे व्हिडिओ आहे. त्यांचे वडील घरातली लोक जाऊन त्यांना परत घेऊन येत आहे हे सगळे व्हिडिओ आहे. जे तीन लोकांना सोडण्यात आलेलं आहे त्याच्यात ऋषभ सचदेवा, प्रतीक गाबा, आमिर फर्निचरवाला हे तीन व्यक्ती होते त्याच्यात. आमच्या NCBला एकच प्रश्न आहे की 1300 लोकांच्या सर्च करून तुम्ही 11 लोकांना डिटेन केला होता. अधिकाऱ्यांनी वेग स्टेटमेंट दिलं, मग तीन लोकांना सोडून टाकलं. ऋषभच्या सचदेवा हे भारतीय जनता पक्षाचे युवा मोर्चाचे माजी अध्यक्ष मोहित कंबोज ज्यांचे नाव बदलून त्यांनी आता नाव मोहित भारती केलेलं आहे, त्यांचा मेवना त्याच्यात तो ऋषभ सचदेव आहे. त्याचबरोबर प्रतीक गाबा आहे, त्याचबरोबर आमिर फर्निचरवाला आहे. या दोघांचा उल्लेख या केसमध्ये कोर्टाच्या स्टेटमेंटमध्ये पण आलेला आहे. आमचा इतकाच प्रश्न आहे की 11 असताना 8 ते 10 का सांगण्यात आला, तीन लोकांना कुणाच्या बोलण्यावर सोडण्यात आला, 1300 लोकांमध्ये 11 लोकांना तुम्ही डिटेन केला होता, जर यांच्याकडे काही नाही तर यांना तिघांना का आणलं होतं, कुणाच्या बोलण्यावर हे लोक सोडण्यात आले, त्यांच्या परिवाराची लोक त्या NCBच्या कार्यालयात रात्री कसे गेले, हे सगळे प्रश्न हे याचा उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहे. यांचे फोन का ताब्यात घेण्यात आले नाही, व्हॉट्सअप चॅटच्या माध्यमातून सांगण्यात येत आहे की आम्हाला बरीचशी माहिती मिळत आहे, ज्यांना तुम्ही डिटेन करताय या तिघांचे फोन का तुम्ही हे ताब्यात घेतले नाही, म्हणजे कुठेतरी या भाजपच्या नेत्यांच्या मेवण्याला इतर दोघांना सोडण्यासाठी भाजपचे नेते राज्यातले असतील दिल्लीचे असतील त्यांच्या शिफारसीअनुसार हे तिघांना सोडण्यात आलेलं आहे. माझे आता पहिल्यापासून सांगणं आहे की सगळं कट कारस्थान रचून पब्लिसिटीसाठी मीडिया हाईपसाठी 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्रामची केसेस करण्यात आली आणि एक फर्जीवाडा करून या मुंबईच्या फिल्म इंडस्ट्रीला बदनाम करणे, महाराष्ट्राच्या सरकारला बदनाम करण्याचा कट कारस्थान या NCBच्या माध्यमातून सुरू आहे. जे यांचे पंच आहे त्याच्यातला एक पंच फरारी आहे, पंचनामेमध्ये 2-2 ॲड्रेस देत आहे, म्हणजे बरेचसे काय याच्यात सगळी जे एक एक चुका समोर येत आहे, म्हणजे एखादा चुकीचा काही कारवाया होत असत आहे तेव्हा या प्रकारे चुकी त्याच्यात ते सोडत जात आहे. आमचं एकच म्हणणं आहे की आता तो फरारी मुजरिम गोसावी यांना पुणा पोलीस निश्चित रूपाने शोधत असतील. त्याच्या अटक झाल्यानंतर आणखीन काही मातमी समोर येऊ शकते. माझी ते मागणी आहे मुख्यमंत्री महोदयांना की हा विषय गंभीर झालेला आहे. सिलेक्टिव्ह लोकांना अटक करण्यात येते, काही लोकांना रिलीज करण्यात येते, सीझर होत नाही, NCBच्या कार्यालयामध्ये फोटो काढून सीझर दाखवण्यात येत आहे. आमचं एकच म्हणणं आहे की मुंबई पोलीस, महाराष्ट्र पोलीसनी CRPFच्या ताब्यात जे क्रूजच्या पोर्ट आहे तिकडे CCTV आहे, ते CCTV मागवलं पाहिजे. या विषयाला गंभीरतेने बघून याच्यात इन्क्वायऱ्या केली पाहिजे. आणखीन याच्यातून जे सत्य आहे ते समोर येऊ शकते. NCBचा वापर करून भारतीय जनता पक्ष या सरकारला, बॉलिवूडला,
लोकांना बदनाम करणे, लोकांच्या मनात दबाव निर्माण करण्याचा हे कट कारस्थान सुरू आहे, याच्यातली ही सत्य परिस्थिती आहे. थँक्यू.